नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तक संस्कृत रत्नम का चतुर्दश अर्थात 14वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दिनचर्या। दिनचर्या अर्थात डेली रूटीन। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। यदि आपको अन्य पाठों के वीडियो देखने हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले देखते हैं हिंदी अनुवाद। नवीनः प्रातः षड्वादने शय्यां त्यजति। नवीन प्रातः अर्थात सुबह षड्वादने 6 बजे शय्यां बिस्तर को त्यजति, त्यागता है या त्याग देता है। सह जनकम जननीम च नमति। सह वह जनकम पिता को च जननीम और माता को नमति नमस्कार करता है। ततः उसके बाद सह वह मुख प्रक्षालनम मुंह साफ करोति करता है। उसके बाद वह मुख प्रक्षालन अर्थात मुंह साफ करता है। च और शौचालयम गच्छति और शौचालय को जाता है। सप्तवादने सह स्नानम आचरति। सप्तवादने अर्थात 7 बजे वह स्नानम आचरति स्नान करता है। स्नान गृहात सह मंदिरम गच्छति। स्नान गृह से वह मंदिर को जाता है। ध्यानम च करोति और ध्यान करता है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन। तो स्नान गृह से वो मंदिर जाता है और वहाँ पर ध्यान करता है। मंदिरात सह गृहम आगत्य पात्रेभ्य भोज्य पदार्थान नीत्वा अष्टवादने अल्पाहारम करोति। मंदिरात अर्थात मंदिर से वह घर को गृहम घर को आगत्य आकर के पात्रेभ्य बर्तनों से भोज्य पदार्थान भोज्य पदार्थों को नीत्वा लेकर अष्टवादने 8 बजे अल्पाहारम नाश्ता करोति करता है। अल्पाहार कहते हैं नाश्ते को। भोजन कक्ष से सह वह स्वकक्षम अपने कमरे को गच्छति जाता है। तदनंतरम नववादने गृहात विद्यालयम गच्छति। तदनंतरम अर्थात उसके बाद नववादने 9 बजे गृहात घर से विद्यालयम विद्यालय को गच्छति जाता है। ये जो भी बोल्ड में शब्द हैं वो पंचमी विभक्ति के शब्द हैं। यहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति के ज्ञान के लिए इन शब्दों को बोल्ड में किया गया है। पाठ में भी आपको पंचमी विभक्ति का ज्ञान बतलाया है। पठित्वा पढ़ करके त्रिवादने 3 बजे सह वह विद्यालयात विद्यालय से उद्यानम गच्छति उद्यान को जाता है। उद्यान अर्थात पार्क में बगीचे में। उद्यानात उद्यान से चतुर्वादने 4 बजे गृहम प्रत्यागच्छति घर वापस आता है या घर लौटता है। दोनों ही चीज आप लिख सकते हैं। प्रत्यागच्छति अर्थात वापस आना लौटना। गृहम आगत्य घर को आकर के पाठम स्मरति पाठ को याद करता है। स्मरति याद करता है। तो घर आकर के पाठ को याद करता है। अध्ययनात परम सह भोजनम गृहीत्वा 10 वादने निद्राम करोति। अध्ययनात परम अर्थात अध्ययन के बाद पढ़ाई के बाद सह वह भोजनम भोजन गृहीत्वा लेकर के 10 वादने 10 बजे निद्राम करोति शयन करता है या सो जाता है। इस तरह से आप दोनों लिख सकते हैं। तो शयन करता है या सो जाता है। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद।
अब हम देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। नवीनः कदा शय्याम त्यजति, नवीन कब बिस्तर को छोड़ता है? तो नवीनः षड्वादने शय्याम त्यजति। नवीनः कुत्र स्नानम करोति, नवीन स्नान कहाँ करता है? तो नवीनः स्नान गृहे स्नानम करोति। नवीनः कुतः विद्यालयं गच्छति, नवीन कहाँ से विद्यालय को जाता है? नवीनः गृहात् विद्यालयं गच्छति। नवीनः त्रिवादने किं करोति, नवीन 3 बजे क्या करता है? तो नवीनः त्रिवादने विद्यालयात् उद्यानं गच्छति। अगला प्रश्न देखिए, पंचमी विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पंचमी विभक्ति को जोड़ करके आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। आगे शब्द दिए गए हैं वाक्य के अंत में, उन शब्दों में आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। तो कोई भी जो शब्द होता है, मुख्य रूप से जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं, उनमें मुख्य रूप से जो भी शब्द होगा उसके आगे आप आत जोड़ देंगे तो वो पंचमी का रूप बन जाएगा। देखिए, रमा रिक्त स्थान वस्त्रम आनयति, यहाँ पर आपको आपणः शब्द दिया है। आपण कहते हैं बाजार को, तो आपणः ये पुल्लिंग का शब्द है। तो आपण, आपण से हमने जोड़ा आत, तो बन गया आपणात। तो रमा बाजार से वस्त्र लाती है। फिर खगः रिक्त स्थान क्षेत्रम प्रति गच्छति, नीडः, नीड कहते हैं घोंसले को, तो पक्षी घोंसले से खेत की ओर जाता है। यहाँ पर भी देखिए, नीड से हमने आत लगाया तो नीडात बन गया। मनोजः विद्यालयात मंदिरम गच्छति, विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है तो यहाँ पर विद्यालय में हमने आत लगाया, विद्यालयात। लेकिन ये जो बात है वो केवल पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की होगी, स्त्रीलिंग में वो रूप किसी और तरह से चलेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। वयम गृहात कुत्र गच्छामः, गृह में गृहम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, म लगा है तो ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो गृहात हमने म नहीं लेंगे, मूल शब्द गृह है उसमें हमने लगा दिया गृहात। गजह सरोवरात वनम प्रति धावती, हाथी सरोवर से वन की ओर दौड़ता है। तो यहाँ पर भी हमने सरोवर से आत लगाया, बन गया सरोवरात। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितानाम शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है, वचन लिखना है और लिंग लिखना है। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं कि विभक्ति, वचन, लिंग ये सब होता क्या है, तो आपको आपके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्कूल संस्कृत व्याकरण करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको कुछ ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे, तो वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं कि ये विभक्ति वचन होते क्या हैं। तो पहला शब्द है आपणात। आपणात इसका मूल शब्द है आपण, विभक्ति है इसमें पंचमी, वचन है एकवचन और लिंग है पुल्लिंग। इसी प्रकार ग्रामात, ग्राम मूल शब्द है, पंचमी इसका विभक्ति, पंचमी विभक्ति है, एकवचन का रूप है और पुल्लिंग इसका लिंग है। नगरात, नगर शब्द मूल है, पंचमी विभक्ति है, एकवचन का रूप है, नपुंसकलिंग है। कक्षात, कक्ष मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है, एकवचन है और पुल्लिंग का रूप है। पात्रेभ्य, अब ये देखिए यहाँ पर पात्र मूल शब्द है, पंचमी ही विभक्ति है किंतु ये बहुवचन का रूप है। जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एकवचन और बहुवचन, उसी तरह से जो संस्कृत है उसमें एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार ये 3 वचन होते हैं। तो यदि आप उस वीडियो को देखेंगे विभक्ति वचन वाले को, तो आपको काफ़ी कुछ उसमें समझ आएगा। तो आप लोग, मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। तो पात्रेभ्य में बहुवचन है और ये नपुंसकलिंग का रूप है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। वह दुकान से नमक लाता है, तो सह दुकान से, दुकान से बाजार से, तो आपणात लवणम आनयति। मनोज बगीचे से फल लाता है, मनोजह उद्यानात फलम आनयति। अशोक शहर से गांव आता है,
अशोकः शहर से, नगर से, नगरात् ग्रामम् आगच्छति। हम लोग नगर से आ रहे हैं। हम वयम्, हम लोग, इसी में आ जाएगा हम सब, हम लोग, ये एक ही शब्द होता है। तो वयम् नगर से, नगरात् आ रहे हैं। आगच्छामः, मैं पुस्तकालय से आ रहा हूँ। अहम् पुस्तकालय से, पुस्तकालयात् आ रहा हूँ। आगच्छामि, वे लोग घर से भोजन लाते हैं। ते गृहात् भोजनम् आनयन्ति। तो ये हो गया संस्कृत भाषा में अनुवाद। इसका भी वीडियो वहाँ पर है कि आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, इसके कुछ नियम आपको वीडियो में बताए गए हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, अधः प्रदत्ता घटिका दृष्ट्वा समयम् लिखित। आपके पुस्तक में कुछ घड़ी के चित्र बनाए गए हैं और उसमें कुछ समय निर्दिष्ट किया गया है वहाँ पर, उस समय को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे पहला जो था वो था 12:15, अर्थात 12:15। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सपाद द्वादश वादनम, 8:30। इसको लिखेंगे सार्ध अष्ट वादनम। 10 को कैसे लिखेंगे? दश वादनम। 3 को कैसे लिखेंगे? त्रिवादनम। वादनम का अर्थ होता है बजे। वादनम जो शब्द है वो बजे के लिए आता है। और 15 के लिए जो शब्द आएगा संस्कृत में, 12 को संस्कृत में द्वादश बोलते हैं, और 15 मिनट्स के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा सपाद। तो आपको यदि लिखना है 11:15, तो आप लिखेंगे सपाद एकादश वादनम। तो सपाद जो शब्द है वो 15 के लिए आता है, और 30 मिनट्स के लिए आता है सार्ध, और वादनम बजे के लिए, और बीच में जो भी यहाँ शब्द दिया गया है उसको आपको संस्कृत में नंबर को लिखना है। तो यदि आप संस्कृत में गिनती सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, मैं उसका वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो ये था हमारा आज का पाठ। अंतिम जो प्रश्न था वो, उसमें कुछ आपकी पुस्तक में जो वाक्य दिए गए हैं उन्हीं को आपको याद करना है, तो वो आपकी पुस्तक में है तो उन्हें मैंने यहाँ लिखना अनुचित समझा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम्।